हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड टेस्टी फूड्स। में फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे केले के छिलके की चटनी। जी हाँ, आमतौर पर सब्जियों की छिलके वेस्ट हो जाती है, पर यहाँ पर हम उन्हीं छिलकों से काफ़ी अच्छी चटनी बनाने जा रहे हैं। तो इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखें। साथ में जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बनाना ले लिया है, तो दो बनाना मैंने लिया है। तो बनाना हम ऐसा लेंगे ताकि वो फ्रेश रहे। फ्रेश बनाना के जो छिलके होते हैं उसकी चटनी काफ़ी टेस्टी होती है। तो ये सब काले धब्बे हैं जो है मार्क्स छिलके के, वो सब निकाल देंगे। जो फ्रेश लीफ रहेगी, छिलके रहेंगे, उसको ही हमें हम काटना है हमें। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने अच्छे जो थे सारे हमने निकाल लिया है, एक भी धब्बा या दाग कुछ नहीं रहना चाहिए ना, फ्रेश छिलका रहना चाहिए जिससे हमारी चटनी अच्छी बने। अब इन सबको अच्छे से हम साफ कर लेंगे पानी से। यहाँ पर मैंने सारे छिलकों को अच्छे साफ करके कुकर में डाल दिया है। अब इसे हम बॉईल करने देंगे। करीब 2 सीटी हम इसे लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 सीटी अब लगा दिया है। छिलके अच्छे से उबल गई है, ये देख सकते हैं। अब इसे हम सारे निकाल लेंगे, पानी से निकाल लेंगे। साथ में मैंने चटनी के लिए 3 हरी मिर्च और 4-5 लहसुन की कलियाँ ले ली है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे, थोड़ी ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे पीसेंगे। स्वाद के अनुसार हम इसमें सॉल्ट भी डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच सॉल्ट डाल दूंगी। अब ये थोड़ी ठंडा हो गई है, अब इसे हम पीस लेंगे। तो महीन ही हमें पीसना है। तो यहाँ पर हमारी चटनी रेडी हो गई है, अच्छे से मिक्सी में हमने पीस लिया है, ये देख सकते हैं। टेस्टी बनाना के छिलके की चटनी रेडी है सर्व के लिए। जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को, काफ़ी हेल्दी रेसिपी है और टेस्टी भी है और फटाफट बनने वाली भी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के